आमना सामना मीडिया में आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं कांग्रेस MRCC ऑफिस CST मुंबई, जहां अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस मुंबई प्रदेश के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुंबई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम, ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज वर्कर कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष जनार्दन सिंह और कई दिग्गज नेताओं के साथ इस सम्मेलन में मुंबई के प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया। कांग्रेस MRCC से आमना सामना मीडिया की संवाददाता शाहीन पटेल की रिपोर्ट। अखिल भारतीय असंगठित कामगार संगठना के मुंबई यूनिट के प्रमुख जनार्दन जी, हमारे दोनों उपाध्यक्ष श्री JP सिंह जी और JP प्रकाश तिवारी जी, महासचिव श्री भूषण पाटिल जी, रामजी भाई यादव जी, तुर्की साहब, वाहिद साहब, अब्दुल वाहिद साहब, स्मिता चौधरी मैडम और हमारे विशेष संगठन के मुंबई यूनिट के सभी पदाधिकारी भाई और बहन, सबसे पहले आप सभी लोग इस पूरे संगठन के, नए संगठन के पदाधिकारी बने हैं और आप लोगों ने एक जवाबदारी अपने सर पे ली है। इसके लिए आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, या उनकी परिकल्पना है कि यूनियन तो होते हैं लेकिन वो संगठित क्षेत्र में होते हैं। असंगठित क्षेत्र में आ जाओ भाई, असंगठित क्षेत्र में कोई यूनियन नहीं है। असंगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र मतलब क्या, यहां पर लेबर लॉ लागू ही नहीं है। ऑटो चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई फेरी का धंधा कर रहा है, ये छोटे छोटे जो असंगठित क्षेत्र है, कानून है, उसको हक नहीं मिलता, उसको कुछ संरक्षण किसी प्रकार का प्राप्त है, उसका भविष्य असुरक्षित है। तो ये आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने यह परिकल्पना रखी कि इस वर्ग के ऊपर फोकस किया है। मुंबई का फेरी वाला है, छोटे पैमाने पे है, लेकिन उनका भविष्य सुरक्षित है। धंधा चल रहा है, चल रहा है, कल उठा के देख लिया उसका कुछ नहीं, और कल क्या होगा। दूध बेचने वाला, ऑटो चलाने वाला, ऑटो चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, क्या ऑटो बंद हो गया तो उसकी जिंदगी खत्म, आगे पीछे कुछ नहीं है। जबकि हमारे देश में इन सारे क्षेत्रों के लिए, इन सारे क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कानून है, बहुत सारी व्यवस्था है। अभी एक संयोग ऐसा है तो मैं आप एक जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। हमारे जो महासचिव प्रभारी हैं खड़गे जी, वो पहले जब हमारी सरकार थी तब लेबर मिनिस्टर हुआ करते, बतौर लेबर मिनिस्टर एक दिन पार्लियामेंट में वो किसी सवाल का जवाब देते देते उन्होंने बताया था कि कई हजार करोड़ रुपए असंगठित, उस पैसे की जानकारी, उस फंड की जानकारी, उस कायदे की जानकारी उस क्षेत्र के कामगार को भी नहीं है। तो आपके संगठन की बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये कि इस तरह के असंगठित क्षेत्र के कामगारों का ट्रेनिंग दिया जाए, उनको समझाया जाए कानूनी व्यवस्था क्या है, सरकार ने क्या क्या आपके लिए स्कीम बना रखी है, सरकार किस स्कीम से आपको क्या क्या मिल सकता है, आपका जीवन और बेहतर कैसे हो सकता है, आपका जीवन और सुरक्षित कैसे हो सकता है। अभी मैंने सुना है कि फडणवीस जी ने, RSS BJP वाले तो मौका ढूंढते रहते लूटने का, तो कुछ 5,500 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार के पास ही फंड पड़ा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, और उस क्षेत्र के कामगारों कुछ 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 संगठन, क्या तो नाम उस संगठन का नाम भूल गया हूं, सिर्फ बिल्डिंग वर्कर्स ही नहीं है, बिल्डिंग वर्कर्स भी हो सकता है, कोई महाराष्ट्र सरकार का इस तरह का एक वो है मंडल है कामगार कल्याण से, हाँ उसका अध्यक्ष बनाया है कोई नागपुर वाला, कोई इसका खास आदमी आ रहा है। सभी जिला अध्यक्ष आ गए हैं, टू थ्री डबल फाइव टू थ्री
2533 ये कार्य किसी की अपने यहाँ की कोई कार्यकर्ता के रहेंगे तो कृपया तुरंत निकालिए। वहाँ पे हमारे जिलाध्यक्ष कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष हरिराज मेहता साहब की गाड़ी निकाली है तो कृपया करके वो गाड़ी जल्दी से जल्दी निकालिए। यहाँ पे हम सब लोग जनार्दन सिंह साहब का सत्कार कर रहे हैं अपने सभी ओर से और आपके सभी के लिए नाश्ता यहाँ पे और चाय नाश्ता की सुविधा की है तो आप नाश्ता चाय पानी लेंगे। और मैं जनार्दन सिंह साहब से विनती करता हूँ कि आपका आपका आखिरी भाषण आप देंगे। पीछे ही चार नाश्ते की